three different types of stories. And today we will see first a backer from Goa, written by Lucio Rodriguez. Backer. Backer तो अच्छे से पता होगा as a breadman, जो bread sell करता हो. उसके बारे में पढ़ेंगे especially from Goa. कहाँ का ये बात है? Goa. So let's start the chapter. Now narrators told about his childhood. When he was a childhood, that times as the often his the elders as the, his elder persons told about the which one about the Portuguese have a very famous for especially they have a sale as the loaves of bread. That's why they all were such a very famous on that time, especially because all persons in the Goa they will be such a very loved of the loaves of bread. In fact that it is a very sweet and they are such a very auspicious for everyone. आप बोलते हैं कि जो narrators होता है वो बताने लगता है कि वो उनके जो elders थे elders हमेशा से ये बताया गया है कि elders क्या करते हैं उनको बताते थे कि जो producers थे वो हमेशा से एक चीज के लिए famous थे वो था उनका लोसा ब्रेड के लिए जो कि उनका ब्रेड काफी पॉपुलर था. अब पॉपुलर होने के साथ साथ उनका ब्रेड्स क्या करते थे लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते थे और हमेशा से खाने के कारण हमेशा से पसंद होने के कारण लोग उस ब्रेड्स को कभी नहीं भूलते थे. अब होता क्या है कि अक्सर पूरे गोवा में जो ये मिक्सर्स थे वो क्या था ब्रेड्स था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था. फाइनली जो बेक होता है जो बेकर्स होता है वो इस लोफ्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया थे बिकॉज दैट टाइम्स स्पेशली बिकॉज द ओल्ड एज. अब क्या बताने लगता है नरेटर बताता है कि जब वो अपने बचपन में कि क्या करता था उठने से पहले उनके लिए क्या थे जो ग्रैंड फादर से ये सब चीज़ जब बताने लगते थे कि वो सोकर उठे भी नहीं होते थे तो जो बेकर्स होते थे मतलब सेल करने वाला जिसको एक और नाम से जाना जाता है पैडर तो वो क्या करने लगते थे ऑलरेडी वो उनके प्लेस पे गांव पे घर के पास पहुंच जा रहे थे और उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता था एज अ ट्रेडिशनल बैम्बू रखते थे जिनसे कि जिंग जिंग की वॉइस आती थी और ये वॉइस क्या करती थी उनको ऑटोमेटिकली दे हैव अट्रैक्ट देम ऑटोमेटिक वो लोग अट्रैक्ट हो जाते थे. फाइनली अट्रैक्शन का रीजन ये था कि जैसे ही हम होता है ना कि कुछ भी चीज़ें आए तो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो चीज़ एक साउंड देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये आ रहा है. वैसे ही गोवा में जब एक बैम्बू से एक जो बैम्बू क्या होता है एक बैम्बू से जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है उसकी वॉइस छन छन की वॉइस जब आती थी जिंग जिंग की तो ऑटोमेटिक सभी जितने भी ओल्डर्स थे चाइल्ड्स थे उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि हाँ बैकर्स वहाँ पे आ रहे हैं तो मॉर्निंग में होते हैं वहाँ पे आ रहे हैं. अब होता क्या है कि नैरेटर्स बताता है कि उनको बहुत अच्छे से मालूम था बिकॉज एवरी टाइम्स दे विल पिक अप इन फोर टाइम्स इट मीन्स एज द मॉर्निंग दे विल बी गो एंड दे विल बी रिटर्न इन द इवनिंग दे विल बी गो एंड दे विल बी रिटर्न. अब इस तरीके से एक दिन में चार बार तो लेकिन एग्जैक्ट टू टाइम्स है जब मॉर्निंग्स में क्या होता है कि नैरेटर्स बता देता है कि वो लोग उठे भी नहीं रहते उस टाइम क्या होता है कि जो बैकर्स होता है वो स्पेशली दे विल बी टेक अ बास्केट एज अ ह्यूज बास्केट ऑन हिज हेड अपने हेड एक बड़ा सा बास्केट लेकर क्या करते हैं एक उस बेकर को बेचने के लिए वो लोग सेल करने के लिए चले जाते हैं. और जैसे ही क्या करते हैं वो लोग चले जाते हैं जैसे वो लोग जाते हैं लेकिन वापस तो तभी होते हैं जब तक उनका क्या ना हो वो बास्केट खाली ना. इस तरीके से वो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों में क्या होता है वो लगातार ऐसा ही वर्क हमेशा से करते जाते हैं. अब ये होता है कि फाइनली वो लोग जैसे जाते हैं तो लोग जितने भी चिल्ड्रंस थे ऑटोमेटिकली जो सो के उठे भी नहीं होते दे विल बी स्लीप इन हिज बेड ऑटोमेटिकली दे नो नाउ बेकर आर कमिंग वो अच्छे से जान लेते कि बेकर्स आ रहे हैं. फाइनली वो क्या करता है सडनली ही इज जंप एंड ही इज जंप एंड दे हैव रीच टू बाय बेक को लेने के लिए वो वहाँ पे चले जाते हैं. उनको थॉट्स ये लगता है कि
क्लियर ब्रश इज डजंट मैटर, उनको सबसे पहले ये लगता था कि ब्रश को मैटर नहीं करता। हाँ, अगर हमको अच्छे से टी मिल गया और उसमें ये सब चीज़ मिल गया तो ऑटोमेटिक हमारा टीथ क्या हो गया, साफ हो गया। इस तरीके से ये क्या था, गोवा के जो चिल्ड्रंस थे उनका थॉट्स था। और कभी कभी एग्जांपल्स के वो बताते हैं कि कुछ टाइम्स क्या करते थे, एज द मैंगोज का लीव्स होता था उसको टीथ क्लीन करने के लिए यूज़ कर लेते थे। बट उनका थॉट्स ये था कि यार टाइगर्स भी कभी भी ब्रश तो नहीं करता, बट हिज टीथ आर सच वेरी वाइट, बहुत ज़्यादा होता है ना, टाइगर्स तो कभी ब्रश करते नहीं फिर उनके टीथ इतने साफ एंड वाइट्स होते हैं। तो वैसे ये मैटर्स नहीं करता कि टीथ क्या है, मैटर्स नहीं करता कि ये सबसे पहले ब्रश किया जाए, बट ब्रश से भी इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या था, उनका बैकर्स था। फाइनली वहाँ पे लोगों के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज, उनके लिए सब तरीके से अलग अलग तरीके से क्या होता था, बैकर्स लाया जाता था। फॉर चिल्ड्रंस दे हैव मेक एज जस्ट लाइक स्टेप ऑफ बैंगल्स, मतलब जो गोल शेप होता है सर्कल का, उस तरीके से बैकर्स लाया जाता था। और जो एजेड होते थे, इट मीन्स एल्डर्स और यंग्स, तो उनके लिए एक डिफरेंट टाइप का शेप्स के लिए लाया जाता था। यहाँ पे बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, जिसमें पेस्टिन्स या फिर बेस्टिन, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों के तरीके से उस ब्रीड्स को बनाया जाता था। फाइनली जो बेकर्स थे, अब होता क्या है कि ओल्ड लेडी वहाँ पे जो औरतें थी, डॉटर्स थी, केक्स या फिर कुछ भी अगर फंक्शंस होता है, चाहे मैरिज हो, तो विदाउट मैरिज, मैरिज में विदाउट बेकर्स के वो मैरिज सक्सेस नहीं हो सकता। तो उस तरीके से मैरिज में क्या होता था कि स्वीट बेकर्स बनते थे, और वो हमेशा से उनको इस चीज़ों के लिए क्या है, ऑस्पिशियस थिंग्स के लिए जाना जाता है। चाहे वो एक बर्थडे क्यों ना, किसी भी गर्ल का बर्थडे हो, तो उस बर्थडे में भी क्या है, बेकर्स के बिना जैसे केक से इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वहाँ पर उस समय के लिए बेकर इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थे। हमेशा से क्या करते थे लोग, उससे बेकर्स की फाइनेंस से जलते थे, लेकिन इनके लिए वो एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस थी। ऑलवेज जो भी बैकर्स क्या करते थे, सेल करने आते थे एज अ पैडर, दे हैव अ वियर एज द डिफरेंट ड्रेस एंड दैट इज द नोन एज कबाई। जो बैकर्स रहते थे वो क्या पहनते थे, एक अलग तरीके का ड्रेस पहनते थे जिसका नेम था कबाई। अब कबाई होता क्या है, इट मीन्स इज द लॉन्ग ड्रेस, एक बड़ा सा ड्रेस होता है, जैसे क्या होता है एक लॉन्ग ड्रेस होता है फ्रॉक जैसा, कि ऊपर से हमारे नीस तक एक बड़ा सा ड्रेस होता है। फाइनली अब के लोग क्या करते, जो बैकर्स होते थे वो शर्ट वेयर करते थे, ऐसे ट्राउजर वेयर करते थे, बट वो क्या था, फुल लेंथ जो फुल होता है, फुल पैंट्स उससे शॉर्ट होता है। अब होता है कि पहले क्या होता था, जो हाफ पैंट्स होता है उसका यूज़ किया जाता है। इवन आज भी, आज क्या होता है, एनीवन कोई भी वेयर्स करे तो वो हाफ पैंट्स ही वेयर्स करता है, स्पेशली जस्ट बिलो द नीस, नीस से थोड़ा सा नीचे रहता है। बट उस समय का ये सब चीज़ों को जो क्या था, ड्रेस था किसका, पैडर्स लोगों का, वेन दे हैव अ सेल इन द गोवा, जो गोवा में क्या करते थे, ब्रेड सेल करते थे। फाइनली बेकर्स अक्सर क्या होता है, वो अपना जो मनी होता है कलेक्शंस, जो बेकर्स जो ब्रेड सेल किए होते हैं वो डायरेक्टली मंथ में लेते हैं। या मंथ में लेते हैं मतलब, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी शॉप्स में जाके एक राशन वाले और मिल्क के वाले के पास जाके बोल देते हैं कि यार आप मंथ तक दे दो, फिर हम लास्ट में पे करेंगे। वैसे ही वहाँ पे गोवा में एक रूल्स था कि क्या था, वो लोग लास्ट में पूरे मंथ में ही पे करते थे, एंड आफ्टर दैट दे विल बी राइट इन द वॉल इन पेंसिल। पेंसिल में क्या था, उस वॉल पे लिख दिया जाता था कि वो अकाउंट, जैसे अकाउंट्स में होता है ना, वैसे उस वॉल पे राइट्स कर दिया जाता था। और फाइनली वो लोग क्या करते थे, उन मनीस को कलेक्ट लास्ट में करते थे। तो उनको पता था, जो बेकर्स होते थे गोवा में, वो कभी भी स्टार्वेट नहीं होते थे, स्टार्वेशन को सामना नहीं करते। स्टार्वेशन मतलब क्या, भुखमरी, मतलब वो लोग बहुत वेल पर्सन होते थे, स्पेशली फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कर करके बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर लेते थे, और कमाई होने के साथ साथ कभी भूख से नहीं मरते थे। और सबसे चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो लोग क्या होते थे, फिजिकली बहुत वेल्थी होते थे, क्योंकि वो क्या थे, अच्छे खासे उनके पास मनी थे। एटलीस्ट इसमें एक एग्जांपल बताया गया, जैसे एक जैकफ्रूट, जैकफ्रूट होता क्या, बड़ा सा जैकफ्रूट होता है ना, जैसे टमी, तो वैसे वहाँ पे लोगों को बताया गया है कि बैकर्स, बैकर्स भी वैसा ही इजली अपीयरेंस दिखाई देते हैं, कि वो भी क्या है, एज अ वेल्थी एंड हेल्थी पीपल। इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है,
What was? A beggar from Goa have finished them. तो आप होप कि आपको पसंद आया हो. एटलीस्ट इस चैप्टर्स में यही बताया गया है कि वहाँ के जो बेकर्स हैं वो कभी भी स्टार्वेशन का सामना नहीं किए, क्योंकि वहाँ के जो बेकर थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. नाउ थैंक यू.